काव्या और वनराज के रिश्ते का राज खुलते खुलते रह गया। काव्या अनिरुद्ध का घर छोड़कर वनराज के घर पर आ चुकी है, लेकिन कहानी में जरा ट्विस्ट है। सबको यही उम्मीद थी कि अब जब काव्या वनराज के घर आ ही गई है तो वनराज का राज खुल जाएगा अनुपमा और पूरे परिवार के सामने। सबको ये बात पता लग जाएगी कि काव्या और वनराज का अफेयर चल रहा है, लेकिन 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 ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। अनुपमा का भरोसा वनराज पर से तोड़ना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर अनुपमा काव्या को वनराज की प्रेमिका की नजरों से नहीं बल्कि वनराज की एक अच्छी दोस्त की हैसियत से देखेगी। जी हाँ, अनुपमा को यही लगने वाला है कि काव्या वनराज से मदद मांगने के लिए सिर्फ इसलिए आई है क्योंकि वो उसका अच्छा दोस्त है, और इसी वजह से अब अनुपमा अपने घर में काव्या को रहने की इजाज़त दे देगी। यानी कि अब काव्या रहेगी वनराज के घर पर अनुपमा की नज़रों के सामने। ये दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे और अनुपमा को इस बात की भनक तक नहीं लगेगी कि इन दोनों के बीच क्या चल रहा है। तो देखना दिलचस्प होगा कि काव्या को अपने घर आने के लिए एक्सेप्ट कर लेना अनुपमा पर खुद कितना भारी पड़ता है। वहीं दूसरी ओर दादी काव्या के घर में रहने के बिल्कुल खिलाफ हैं, क्योंकि दादी का मानना है कि बहुत जल्द पारितोष की सगाई होने वाली है, शादी होगी, बहुत सारे मेहमान आएंगे, और जब मेहमान काव्या के बारे में पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे। लेकिन अनुपमा ने यहाँ पर भी इस बात का सलूशन निकाल लिया है। तो इंतज़ार रहेगा सीरियल अनुपमा में आने वाले इन सभी ट्विस्ट एंड टर्न्स को देखने का। किस तरह से काव्या और वनराज का ये रिश्ता होता है एक्सपोज, जानने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार बाकी है। For all the latest serial updates, celebrity news and views, please subscribe Serial Khabri and hit the bell icon.